हमारे यहाँ पर गंदगी भी कभी कभी हो जाती है, जिसके कारण मच्छर भी फैलती है। अब इस तरह से हम लोग बीमार भी बहुत सारे लोग हो रहे हैं जी। आज साफ सफाई हुई है, आज झाड़ू भी लगा है, सबका दवा मारना पड़ता है। मतलब जहाँ जहाँ आदेश होता है हम लोग का, तहाँ तहाँ हम लोग जाते हैं। मच्छर लगता है, लेकिन यहाँ का लाइन का व्यवस्था नहीं है। आज 2-3 दिन से पानी का कोई ठेका नहीं नगर निगम से। खाली फोन करने से वो बोलता है रसोई आएगा, कहलाएगा। बहुत दिनों बाद आज राजभवन धरना स्थल को साफ किया गया, जहाँ मच्छर भगाने वाला स्प्रे भी मारा गया। आए दिनों जहाँ राजभवन के पास गंदगी देखी जाती थी, जहाँ खड़ा होना दुर्लभ हो गया था, वहाँ आज वार्ड नंबर 20 के सुपरवाइजर के बोलने पर नगर निगम द्वारा सफाई कर्मी पहुँचे, जहाँ राजभवन धरना स्थल का साफ सफाई किया गया। बहुत दिनों से है अपनी मांगों को लेकर आंदोलनकारी धरना दे रहे हैं, वह रात दिन वहीं रहते हैं। समय समय पर जीएन भारत की टीम भी वहां जाती है और साफ सफाई से लेकर उनकी मांगे तक का आवाज उठाती है। आज एक बार फिर से जानेंगे कि यह लोग को रात में कितना दिक्कत होता है। जी आज साफ सफाई हुई है, आज झाड़ू भी लगा है, प्लस दवा भी छिटाई हुई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी झाड़ू भी नहीं लगता है, दवा भी नहीं छिटाया जाता है। जैसे अभी देखिए, वो जो शौचालय है गंदा है, वहाँ उसका साफ नहीं हुआ है, पानी नहीं है, देखिए जा करके एक बूंद पानी नहीं है। तो मैं नगर निगम से भी आग्रह करती हूँ कि हम तमाम जो यहाँ पर आंदोलनरत हैं, धरना दे रहे हैं, सभी को पता है कि यहाँ पर महिलाएं आ रही है, तो उनको चाहिए कि समय समय पर पानी यहाँ पर दे, समय समय पर शौचालय साफ करे, क्योंकि गंदगी से स्वस्थ भारत का निर्माण कहा जाता है। अगर स्वस्थ भारत अगर नहीं रहेगा, हम लोग के बीच में इतनी महिलाएं जो आ रही है, और अगर गंदगी रहेगी तो हमें हैजा मलेरिया टाइफाइड जैसा बीमारी भी धर सकता है, तो इसका किसका श्रेय जाएगा? हम लोग अगर यहाँ पर बीमार पड़ेंगे, मौत अगर आएगी, तो ये सरकार का बदनामी होगा। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि हमारी जो मांगे जो है वो जायज मांगे सरकार को जल्द से जल्द हमें देना चाहिए। बस जिस समय मतलब छिड़काव करेगा उतना ही तक में कहा नहीं लगेगा, फिर शाम होते होते तो फिर उसका गैस भाग जाएगा, तो फिर मच्छर लगेंगे। हाँ लिक्विड ही होगा, या वो मच्छर लगता है, लेकिन यहाँ का लाइन का व्यवस्था नहीं है। आज 2-3 दिन से पानी का कोई ठेका नहीं नगर निगम से। खाली फोन करने से वो बोलता है रसोई आएगा, कहलाएगा। हम दूसरा जगह से पानी लाते हैं, लेकिन यहाँ का तारा भगत का भी यहाँ का परेशानी, लाइन 3 दिन से नहीं है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और यहाँ का मच्छर तो लगते ही, रात में मच्छरदानी लगाते हैं, अंधार में रहते हैं, क्या करेंगे, काटने से भी कहाँ जाएंगे। खाना तो दिन में बनाते हैं, 4 बजे से खाना पकाने शुरू कर। नहीं तो ऐसे मच्छर वाला दवा है सर, मच्छर वाला दवा मारना पड़ता है। मतलब जहाँ जहाँ आदेश होता है हम लोग का, तहाँ हम लोग जाते हैं। मनोज जी का आदेश है, वो 20 नंबर वार्ड का सुपरवाइजर, वार्ड नंबर 20 का। इसका पहले मतलब हम लोग यहाँ शनिचर का शनि, आपका आज कौन दिन है, मंगल आते हैं, टेनिफॉल बोलते हैं इसको, मच्छर का जो लार्वा होता है वो कम करता है, इसमें भागेगा, जो बच्चा देने वाला रहता है वो नहीं देता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।